नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आपकी और आपके पूरे परिवार की ईश्वर हर प्रकार के विपदाओं से रक्षा करे, सुख शांति समृद्धि श्री सुस्वास्थ्य घर को दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ले चलती हूं आपको आज के विषय की ओर। बच्चों की परवरिश कैसे करें, उनका पालन पोषण कैसे करें, इस सब्जेक्ट पर यह मेरा अगला वीडियो है। बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही मासूम होते हैं, बहुत ही भोले होते हैं, बहुत ही निर्मल एकदम प्योर हार्ट के होते हैं, निर्मल हृदय होते हैं उनका। वो कच्ची मिट्टी की लोई के समान होते हैं। हम उन्हें चाहे जिस आकार में ढाल दें वो ढल जाएंगे। और हमारी जिंदगी के जो सबसे कीमती नेमते हैं वो हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चों से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और मैं कहती हूँ कि यदि आप माता पिता हैं, छोटे बच्चों के माता पिता हैं, तो आप या माता पिता हैं, तो आप इस राष्ट्र के प्रथम राष्ट्र निर्माता हैं, क्योंकि आप उस बच्चे के पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो रोल अदा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप यदि अच्छा रोल अदा कर लेते हैं तो एक स्वस्थ समृद्ध सुविकसित बच्चे का आप एक नागरिक का निर्माण कर देते हैं। तो एक एक नागरिक करके समाज बनता है, राष्ट्र बनता है। तो इस प्रकार आप एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभा देते हैं। यदि आप अपने बच्चे की परवरिश पर फोकस करते हैं, आप अपने बच्चे के प्रति बहुत अटेंशन लिए हुए हैं, तो आप एक बहुत अच्छे माता पिता हैं। बच्चों को क्या चीजें हम प्रोवाइड करें, इस बात पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आपको लिस्ट बना लेनी चाहिए क्या क्या चीजें आपके और आपके बच्चों के लिए माइनस है और क्या क्या चीजें आपके और आपके बच्चों के लिए प्लस है, और उसी अनुसार फिर अपने बच्चे की परवरिश करनी चाहिए, उसकी डेली रूटीन बनानी चाहिए, उसकी स्टडी की व्यवस्था देखनी चाहिए, उसकी पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की व्यवस्था देखनी चाहिए, और उसको और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में उसको पुश करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। आपके बच्चे की रुचि क्या है ये पहचानिए, आपके बच्चे की रुचि के क्षेत्र को उसे अवेलेबल कराइए, उस क्षेत्र में उसको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराइए ताकि वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। सिर्फ पढ़ाई कर लेना, सिर्फ डिग्री प्राप्त कर लेना जीवन का लक्ष्य मत रखिए। सिर्फ यदि डिग्री प्राप्त कर लेता है बच्चा या सिर्फ एजुकेशन पूरी कर लेता है तो सिर्फ वो एक मशीन बन के रह जाता है, वो इंसान बना कि नहीं बना ये कंफर्म नहीं होता। लेकिन यदि आप बच्चे का पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आप ध्यान देते हैं और बहुत ही प्रिप्लान होकर उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी भूमिका निभा देते हैं, बहुत बड़े कर्तव्य का पालन कर लेते हैं। फिर बच्चा जरूर एक अच्छे इंसान बनेगा, इस बात की गारंटी हो जाती है। बच्चों को संस्कार डालने में कभी कोताही न करें, जो सिखाना है बचपन से ही सिखाइए। आप पूरी कोशिश कीजिए बच्चा सूर्योदय के पहले उठे, सूर्योदय से एक डेढ़ घंटा पहले उठे तो और बहुत अच्छी बात है। सूर्य के देवता तेज के देवता हैं, यदि आपका बच्चा सूर्य उदय के पहले उठता है तो उसका तेज अपने आप डेवलपमेंट होगा, उसके तेज में अपने आप डेवलपमेंट होगा, उसके बॉडी में उसके मानसिक और शारीरिक विकास में ग्रोथ होगा, क्योंकि सूर्यदेव के आने से क्या होता है, जीवन का संचार हो जाता है, फूल खिल उठते हैं, पक्षियाँ चहचहाने लगती हैं, नदियाँ लहरें उसमें चलने लगती हैं, लहरें उठने लगती हैं नदियों में, डालियाँ झूमने लगती हैं, तितलियाँ इतराने लगती हैं और पक्षी गाने लगते हैं, तो कितना पूरा एक नया जीवन का संचार हो जाता है, पूरी सृष्टि गाने लगती है। तो जब वो सूर्योदय के पहले उठता है बच्चा और वो थोड़ा सा सूर्य की रोशनी में अपना टाइम बिताता है तो बच्चे का इम्यून पावर तो स्ट्रांग होता ही है, बच्चे की पूरी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट बहुत अच्छे ढंग से होता है, उसकी शारीरिक और मानसिक विकास भी बहुत अच्छे ढंग से बहुत ही सुदृढ़ ढंग से स्ट्रांग ढंग से होती है। तो आप बिल्कुल ये तय करें, सुनिश्चित करें आपके बच्चे के सूर्योदय के पहले उठना सुनिश्चित करें, बिल्कुल
स्ट्रिक्टली आप इसको सुनिश्चित करें। और यदि आप बचपन से ही बच्चे को ध्यान योग में डालते हैं तो वो बच्चा बहुत आगे जाएगा, वो बहुत ब्रिलियंट होगा। कारण हम जो बाहर से दिखाई देते हैं ये हमारा स्थूल शरीर है, लेकिन हमारे स्थूल शरीर के अंदर 7 चक्रों में हमारा सूक्ष्म शरीर स्थित है। और हमारा स्थूल शरीर कैसा होगा ये उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर ही डिपेंड करता है। हमारे सूक्ष्म शरीर में जो 7 चक्रास है वो कितने बैलेंस्ड है, कितने एक्टिव है, कितने स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से ही हमारा बाहरी शारीरिक बनावट, हमारी दिनचर्या, हमारे जीवन सब कुछ उसी पर डिपेंड करेगा कि हमारा बाकी शारीरिक बनावट, हमारा बाकी का जीवन किस प्रकार से है। यदि हमारे वो 7 चक्रास एक्टिव बैलेंस और स्ट्रांग होते हैं तो यदि बच्चा ध्यान योग बचपन से कर रहा है तो उसके 7 चक्र, वो जो सूक्ष्म शरीर के में स्थित 7 चक्र हैं वो एक्टिव बैलेंस स्ट्रांग होने लगते हैं। बच्चों की कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, इसलिए बच्चे बहुत जल्दी इस ब्रह्मांडी शक्ति को कैच कर लेते हैं। वैसे भी बच्चे एकदम प्योर हार्ट के होते हैं, उनका हार्ट एकदम प्योर होता है और बहुत ही भोले होते हैं, मासूम होते हैं, तो उनसे ब्रह्मांडी शक्ति भी बहुत प्यार करती है। सारे देवी देवता, सारे ईश्वर की सत्ता उससे बहुत प्यार करती है। तो यदि बच्चा ध्यान और योगा करता है तो उसका कनेक्शन बहुत जल्दी सुपर डिवाइन पावर से हो जाता है। और जब सुपर डिवाइन पावर से किसी बच्चे का कनेक्शन हो जाता है तो उस बच्चे के जीवन में तो क्रांति आ जाती है। वो बच्चा बहुत ही निकल कर सामने आता है। आप देख लीजिए महापुरुषों की जीवनी उठाकर, जितने भी महापुरुष इस दुनिया में हुए हैं उन सब की जो सुबह की शुरुआत होती थी वो सूर्योदय के पहले, काफ़ी पहले हो जाती थी और बहुत भोर में होते थे। ऐसे हर महापुरुष की आप जीवनी उठाकर देखेंगे तो उनकी दिनचर्या देखेंगे तो वो बहुत सवेरे उठ जाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपके बच्चे का की पर्सनालिटी में पूरा डेवलपमेंट बहुत अच्छे ढंग से उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। बच्चों को संस्कार सिखाइए, आप स्वयं बड़ों का सम्मान कीजिए ताकि आपको देखकर आपका बच्चा बड़ों का आपका सम्मान करेगा। आपको देखकर आपका बच्चा आपका सम्मान तब करेगा जब आप स्वयं अपने से बड़ों का यानी बच्चों के दादा दादी नाना नानी का सम्मान करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका बच्चा क्या वो संस्कार सीख पा रहे हैं और उसको हेल्पिंग हैंड बनाइए। हेल्पिंग हैंड बनेगा आपका बच्चा, शेयरिंग की आदत डालिए, हेल्पिंग हैंड बनाइए, शेयरिंग की आदत डालिए, तो ऐसे बच्चों के बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाएंगे। हम खुद हेल्पिंग होते हैं तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं ना, तो हमारे बच्चे के बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाएंगे। यदि बच्चों के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो बच्चा कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। उसको कोई समस्या है वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं तो उसके दोस्त आप तक बताएंगे। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि आपका बच्चा आपसे अपनी समस्या बता नहीं पा रहा है। आप अपने बच्चों का विश्वास सबसे पहले जीत लीजिए, सबसे पहले अपने बच्चों को विश्वास में लीजिए और उनका विश्वास जीतिए। ये बहुत जरूरी है ताकि आपसे अच्छा दोस्त आपके बच्चे का और दूसरा कोई ना हो सके। कोई भी समस्या उसकी ज़िंदगी में आती है तो सबसे पहले आपसे शेयर करें। आप अपने बच्चों के बहुत बेस्ट फ्रेंड बने। और यदि आप बच्चों को बचपन से ही योग ध्यान करा पाने में सक्षम है, ब्रह्म मुहूर्त उठा पाने में आप सफल हो गए हैं तो यू आर द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। ये मैं बहुत ही गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो देख लीजिए और मैं बताऊँगी बच्चों की परवरिश में और किन किन बातों का ध्यान रखना है। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।